नमस्कार दोस्तों, कणाद एकेडमी चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो एक सामान्य अध्ययन से संबंधित है। दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में, टीवी में अनेक बार ऐसा देखा होगा, बहुत सारी खबरें इस प्रकार की चलती रहती है कि न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई है। जैसे अभी हाल फिलहाल की भी हमारी खबर है 2018 के अंदर, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं कि दीपक मिश्रा जी, उनके ऊपर भी महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में काफ़ी खबरें चर्चा में रही हैं। कोई पुस्तक हो या न्यूज़पेपर हो या आपके टीवी वाले हो, उन सब के अंदर ये विषय बार बार प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है, महाभियोग लगाया जा सकता है। तो आज हम चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं, क्या ऐसी संभावना है कि राष्ट्रपति के साथ साथ न्यायाधीश पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है? क्या ऐसे कौन से आधार हैं जिनके कारण से समाज के अंदर मिसकंसेप्शन चल रहा है कि राष्ट्रपति भी महाभियोग लगेगा, न्यायाधीश भी महाभियोग लगेगा? तो उन सब चीज़ों को मैं आपके सामने रखूंगा। ये बहुत एक नया विषय है, बहुत सारे मिसकंसेप्शन इससे जुड़े हुए हैं, तो उन सब को आपको जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा धैर्यपूर्वक। तो पहले हम एक बेसिक जानकारी आपके सामने रख रहे हैं कि राष्ट्रपति को हटाने का या न्यायाधीश को हटाने के क्या क्या आधार हैं, किन किन आधारों पर उनको हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर यदि आरोप हम लगाना चाहते हैं तो उस आरोप में एक ही आधार आपका है, वो संविधान के अनुसार जो बताया गया आपका, वो है संविधान का अतिक्रमण। कि संविधान के अंदर राष्ट्रपति के लिए जो जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, जो जो कार्य हैं संविधान का रक्षण करने के लिए, जो उनके लिए नियम पालन करने आवश्यक हैं, उन संविधान के कर्तव्यों का यदि वो अतिक्रमण करता है, उस आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम न्यायाधीश के बारे में देखते हैं कि किसी न्यायाधीश को अगर हम हटाना चाहते हैं तो उस पर जो आरोप का आधार है आपका, वो संविधान के अनुसार आपका कदाचार और असमर्थता। कदाचार शब्द का अर्थ है, कद मतलब होता बुरा, हमारा जो व्यवहार है उसको आचार बोलते हैं। तो न्यायाधीश का अगर व्यवहार जो है कि एक न्याय प्रणाली के लिए एक अनुकूल जो व्यवहार हो सकता है, उस व्यवहार के विपरीत अगर वो व्यवहार करते हैं तो वो कदाचार कहलाएगा। और उस न्यायाधीश के नियमों को लागू करवाने के लिए जो सामर्थ्य, जो शक्ति उनके अंदर चाहिए थे, यदि उस सामर्थ्य से उसमें कमी होती तो वो असमर्थता वाला पार्ट हुआ। तो इन दो आधारों पर न्यायाधीश को हटाने का आरोप लगाया जा सकता है। तो ये आपका आरोप वाला पार्ट हुआ। फिर न्यायाधीश के अंदर अगर कोई आरोप लगाना चाहते हैं तो दोनों सदनों का बहुमत चाहिए होता है, लेकिन बहुमत का ही पार्ट हमारा जो है, जिसके कारण से हम बता पाएंगे आपको कि न्यायाधीश पर महाभियोग संभव नहीं है, इम्पीचमेंट संभव नहीं है। पहले थोड़ा सा एक सामान्य परिचय, यदि राष्ट्रपति को हम हटाना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए आप किसी भी सदन के अंदर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हो। जैसे हमारे दो सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आपको राष्ट्रपति पर कोई आरोप लगाना है महाभियोग का तो आप लोकसभा में ही प्रस्तुत करो। आप लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं या राज्यसभा, किसी भी सदन में वो प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। लेकिन उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए ये जो भाषावली आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप फोकस कीजिएगा कि कुल सदस्य संख्या का एक चौथाई। ये कुल सदस्य संख्या एक मेन पार्ट आपका, कुल सदस्य संख्या। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जैसे हमारे जो राज्यसभा है, राज्यसभा में आपके कुल 250 सदस्य हैं, जो आपका लोकसभा है, लोकसभा में आपके कुल सदस्य संख्या 552 है। तो एक कुछ शब्दावली आपकी है कुल सदस्य संख्या की, एक शब्दावली आपकी तत्कालीन शब्दावली आती है। तत्कालीन, इसके लिए हम एक अलग वीडियो पर चर्चा करेंगे। तत्कालीन का अभिप्राय है कि उस समय जो कार्यकाल लोकसभा का या राज्यसभा का चल रहा है, तो जो कुल पद थे आपके राज्यसभा के या लोकसभा के, उन कुल पदों में से उस समय तत्काल उस समय कितने पद भरे गए हैं, वो तत्कालीन सदस्य कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी राज्यसभा के आपके कुल जो पद हैं वे आपके 250 हैं, और उनमें से अगर 243 पद भरे हुए हैं वर्तमान में, तो तत्कालीन राज्यसभा के जो सदस्य हैं वे 250 नहीं कहलाकर आपके 243 कहलाएंगे। अगर पूछे कि राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है आपकी, तो कहेंगे आपकी 250 कुल सदस्य संख्या है। तो जब हम किसी सदन में राष्ट्रपति के ऊपर आरोप दाखिल करना चाहते हैं तो उस सदन की कुल सदस्य संख्या का एक चौथाई, कुल सदस्य संख्या, यदि हम
राज्यसभा में पेश करना चाहते हैं तो राज्यसभा के जो आपके 250 है उसका एक चौथाई, यदि हम लोकसभा में पेश करना चाहते हैं तो लोकसभा के जो 552 सदस्य हैं उनका एक चौथाई, तो वो सदस्य उस पर सहमति प्रकट करें, प्रकट करने के पश्चात ही वो प्रस्ताव आपका उस सदन में प्रस्तुत हो पाएगा। प्रस्तुत हो गया, प्रस्तुत होने के पश्चात की क्या प्रक्रिया है कि उस सदन यदि वो जिसमें वो सदन में प्रस्तुत किया गया है वो सदन पारित करने के लिए उसको कितना बहुमत चाहिए, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। तो यहाँ भी जो आपका पाठ कुल सदस्य संख्या वाला है वो ध्यान देने योग्य है, बहुत अच्छे से आप देखिए इसको कि जब आपने राज्यसभा में वो प्रस्ताव पेश किया तो राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/4 ने उसको प्रस्तुत किया और कुल सदस्य संख्या का ही राज्यसभा का 2/3 बहुमत, कम से कम 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव के अनुमोदन में यदि स्वीकृति प्रदान करता है तो वो प्रस्ताव आपका उस सदन से पारित माना जाएगा। जिसका अभिप्राय क्या हुआ कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप है वो साबित हुआ, मतलब वो दाखिल हो गया, उसको फिर पूरा पारित करने के लिए, साबित करने के लिए आपको दूसरे सदन में वो जाएगा। तो यहाँ का पार्ट आपका हुआ स्पष्ट कि उसको आरोप को दाखिल करने के लिए प्रक्रिया है कि जिस सदन में दाखिल करना चाहते हैं उसमें पहले प्रस्तुत करने के लिए आपको कुल सदस्य संख्या का 1/4 बहुमत चाहिए और उसको उस सदन से पारित करने के लिए कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए। जब वो पारित हो गया, पारित होने के बाद वो दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में जब वो प्रस्तुत होगा तो उस सदन में राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं प्रस्तुत होके उस पर अपना पक्ष पेश कर सकता है या किसी व्यक्ति के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करा सकता है, तो वहाँ की कार्रवाई में अपने पक्ष को वो रख सकता है। दूसरा, जो वो सदन जिस सदन से वो पारित होकर दूसरे सदन में गया तो दूसरा सदन पहले सदन के जो आरोप थे उन आरोप की वो जाँच करेगा, उस जाँच में ये पाता है कि जो आरोप पहले सदन ने लगाए थे वे आरोप उपयुक्त है और उस सदन के भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत सदस्य उस प्रस्ताव के अनुमोदन में स्वीकृति प्रदान कर देते हैं तो राष्ट्रपति का जो हटना है महाभियोग की प्रक्रिया का वो साबित हो जाता है और जिस दिनांक से वो पारित होता है, मतलब दूसरा सदन 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित करता है उस दिन से राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। तो मुख्य हमारा जो फोकस का पार्ट है वो है आपका कुल सदस्य संख्या का 1/4 और कुल सदस्य संख्या का 2/3। इसके दूसरी तरफ हम न्यायाधीश का अगर जब देखते हैं तो न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रस्ताव पारित करने का पार्ट है वो आपका कि दोनों सदनों का बहुमत, लेकिन वो बहुमत किस प्रकार का, वो आपका है डबल मेजोरिटी। ये डबल मेजोरिटी एक विशेष शब्द है, कितने प्रकार की मेजोरिटी होती है और किस किस प्रकार से उसमें बहुमत चाहिए इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देखेंगे कि लगभग 5-7 प्रकार की आपकी मेजोरिटी होती है तो उसमें आप मेजोरिटी के स्वरूप को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक पार्ट था आपका कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और दोस्तों आपको पता होगा कि जो उस सदन की कुल सदस्य संख्या उसका बहुमत का अभिप्राय है कि 50% अबव, जितने भी प्रस्ताव आपके पारित होते हैं सामान्यतया यदि कोई विशेष उल्लेख उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए संविधान में नहीं है तो उसका अभिप्राय यही लिया जाता है कि आपके अनुच्छेद में आता है एक में कि कोई भी प्रस्ताव अगर पारित किया जाता है तो दोनों सदनों के सामान्य बहुमत से पारित किया जाएगा, दोनों सदनों की सहमति चाहिए होगी। तो सामान्य बहुमत का अभिप्राय है कि जो कुल सदस्य है, जैसे मान लीजिए आपके राज्यसभा में 250 आपकी कुल सदस्य संख्या, तो 250 का सामान्य बहुमत मतलब उनका 50% अबव होना चाहिए। लेकिन एक दूसरी स्थिति ये हुई आपकी कि कहा कि उपस्थित और मत देने वालों का कम से कम 2/3 बहुमत, कम से कम 2/3 बहुमत। तो एक मान लीजिए कि आपके गण पूर्ति के लिए आपको पता है कि अगर कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग भी आता तो आपकी गण पूर्ति हो जाती है। राज्यसभा के हम परिप्रेक्ष्य में लेते हैं कि राज्यसभा जो है उसके आपके 250 सदस्य हैं, 250 सदस्यों में से गण पूर्ति के लिए मान लीजिए 25 या 26 आपके सदस्य आए तो सदन की कार्यवाही आपकी प्रारंभ हो गई। तो कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद आपके उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य थे तो उन्होंने लगभग जैसे 25 आपके या 26 आपके सदस्य आए और 26 के 26 सदस्यों ने न्यायाधीश को हटाने के लिए अपना मत, अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, तो ये वाला पार्ट तो आपका पूरा हो गया कि उपस्थित और मत देने वाले, मतलब उस सदन में जो उपस्थित थे और जिन्होंने मत दिया तो दोनों की दृष्टि से वो 2/3 क्या, वो तो आपका 100% है।
लेकिन वो दो तिहाई 100% होते हुए भी वो कुल सदस्य संख्या का सामान्य बहुमत नहीं बन पाया। और आपको पता है कि जैसे आपका राज्यसभा के अगर 250 कुल सदस्य हैं, उसका जो 50% अबव कितना होगा दोस्तों, 250 का हाफ आपका 125 और उसका 50% अबव करोगे तो 126। तो कम से कम आपके 126 सदस्य होने चाहिए, कम से कम 126 सदस्य होने चाहिए, तब आपकी पहली शर्त पूरी होती है कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत। तो कुल सदस्य संख्या बहुमत ये पार्ट आपका पूरा होगा, उसके पश्चात आपको ये पार्ट देखना है। जैसे मान लीजिए ये शर्त मैंने आपको बताई कि उपस्थित और मत देने वालों का कम से कम दो तिहाई बहुमत, ये शर्त तो पूरी हो रही थी जब गण पूर्ति के अनुसार दसवां भाग जो 26 सदस्य थे वे आए और आपकी कार्यवाही शुरू हो गई, लेकिन आपकी पहली शर्त पूरी नहीं हो रही थी। या अब अगर हम के सोचे कोई कहे कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत इतना ही पार्ट रख दो, दूसरी लाइन क्यों रखी, वो इसलिए रखी कि आज मान लीजिए आपके 200 सदस्य उपस्थित हुए, 250 आपके सदस्य थे राज्यसभा के, 200 सदस्य उपस्थित हुए और 200 सदस्यों में से आपके 125 या 126 सदस्यों ने वहाँ पर उपस्थित और मतदान की दृष्टि से और मत दिया, तो वो कुल सदस्य संख्या का बहुमत हुआ। या आपके 250 सदस्य मान लीजिए, 250 सदस्य आपके उपस्थित हुए, 200 का रहने दीजिए, तो जैसे मान लो आपके 250 सदस्य उपस्थित हुए, तो उस 250 सदस्य में से मान लीजिए आपके 125 से ज़्यादा आपके सदस्यों ने वहाँ पर मत दिया, 125 से ज़्यादा मत दिया, तो आपकी पहली शर्त तो पूरी हो गई कि कुल सदस्य संख्या का वो सामान्य बहुमत है, लेकिन जितने मत दिए गए हैं उन मत देने वालों का वो दो तिहाई नहीं बन पाया। तो आपकी पहली शर्त तो पूरी हो रही है, लेकिन जो दूसरी शर्त है वो पूरी नहीं हो पा रही। तो लेकिन न्यायाधीश पर हटाने का जो आरोप है वो तभी पास हो सकता है, तभी आपका पारित हो सकता है जब आपकी दोनों की दोनों शर्त घटती हो। पहली शर्त भी कि वो कुल सदस्य संख्या का बहुमत भी होना चाहिए, इसका भी प्राय कि वो कम से कम 125 अबव होगा, और जब वो मत देने के लिए मान लीजिए 240 या 200 या 250 आपके सदस्य उपस्थित हो गए हैं और उनके द्वारा यदि वो सामान्य बहुमत ही दिया गया है तभी भी पारित नहीं होगा, क्योंकि उपस्थित और मत देने का वो कम से कम दो तिहाई बहुमत भी होना चाहिए। तो जैसे आपके 250 सदस्य अगर आपका आते हैं तो 250 सदस्य का आपको दो तिहाई बहुमत सदस्य आने चाहिए। उसके दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जब आपके राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया गया था उसमें आपका उपस्थित मत देने वाला ये पार्ट नहीं था, आपका पार्ट था कुल सदस्य संख्या का दो तिहाई, जो निश्चित रूप से इनकी सदस्य संख्या का अलग पार्ट है। यहाँ पे जो पार्ट था वो डबल मेजोरिटी का था, आपका कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों का कम से कम दो तिहाई बहुमत। यहाँ पे जो पार्ट है आपका वो है आपका कुल सदस्य संख्या का दो तिहाई बहुमत। तो 250 आपकी कुल सदस्य संख्या है, तो 250 का आपका जो दो तिहाई बहुमत करेंगे आपका, तो आप देखेंगे कि 250 का दो तिहाई जो आपने किया तो 500/3, तो लगभग आपका जो हो जाएगा ये 166 के आसपास आपका ये पार्ट बनेगा। तो कम से कम आपके 166 से ऊपर सदस्य होंगे तभी आप प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। तो कुल सदस्य संख्या का दो तिहाई करने के लिए आपको क्या है, कम से कम आपको उस सदन के, यदि राज्यसभा के बारे में बात की जा रही है, तो 166 से अधिक सदस्य होने चाहिए। ये आपका पार्ट हुआ। दूसरी तरफ जब हम राष्ट्रपति वाला पार्ट देखते हैं तो राष्ट्रपति वाले पार्ट में किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए शर्त क्या रखी उन्होंने कि कुल सदस्य संख्या का दो तिहाई होना चाहिए। राज्यसभा की परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो यदि आपकी कुल सदस्य संख्या 250 है तो 250 का आपका दो तिहाई क्या बनेगा दोस्तों, लगभग 166 या आप सामान्य कहे तो 170 के आसपास आप ले लीजिए। तो 170 सदस्य तो कम से कम होने चाहिए, इससे अधिक हो तभी आपका जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा से राष्ट्रपति के पक्ष में पारित हो पाएगा। लेकिन वहाँ पर 166 ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत हो, उपस्थित और मत देने वालों का कम से कम दो तिहाई बहुमत हो, तो आपका 160, 150, 130 तक भी वो प्रस्ताव पारित हो सकता है। बस वो आपका 126 से नीचे नहीं जाएगा राज्यसभा के पक्ष में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कुल सदस्य संख्या का सामान्य बहुमत तो होना ही चाहिए, मतलब 50% अबव होना चाहिए। तो जो संशय का कारण है बुक्स के अंदर या समाचारों में अखबारों में, वो है आपका पार्ट दो तिहाई।
वो जो केवल देखते हैं, वो देखते हैं कि ये भी दो तिहाई बहुमत है आपका, ये भी दो तिहाई बहुमत है, तो दोनों समान है, लेकिन दोनों बिल्कुल अंतर है। ये दो तिहाई उपस्थित और मत देने वालों का है, ये जो दो तिहाई आपका, ये कुल सदस्य संख्या का दो तिहाई है। आप चाहो तो आप संविधान की जो मूल पुस्तक उसमें देख सकते हैं भाषावली, आपकी जो भाषावली इसी प्रकार से है। और यहाँ पे जो दो तिहाई जो था उपस्थित और मत देने वाला, उसके साथ में आपका जोड़ा हुआ कि कुल सदस्य संख्या का सामान्य बहुमत भी होना चाहिए। तो न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें हम जो मत है, जो आपका स्वीकृति है, उसको डबल मेजोरिटी बोलते हैं हम। और यहाँ पे जो आपका राष्ट्रपति वाला है उसको बोलते हैं सिंगल मेजोरिटी, लेकिन विशेष प्रकार की मेजोरिटी जिसमें कुल सदस्य संख्या का दो तिहाई है। तो जहाँ पर कुल सदस्य संख्या का दो तिहाई है उसी के लिए आपका महाभियोग शब्द प्रयोग करना चाहिए, इसके लिए महाभियोग शब्द प्रयोग करना उचित नहीं है। आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों कि हम किस कारण से महाभियोग शब्द का प्रयोग अपनी गलती से या असमझ के कारण हम कर रहे थे, जबकि दोनों पंक्तियों का जो अभिप्राय है वो बिल्कुल अलग है। इसलिए हमें कभी भी न्यायाधीश के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है ऐसा नहीं कहना चाहिए। महाभियोग की प्रक्रिया के लिए राष्ट्रपति पर ही प्रयोग की जा सकती है। ये आपका मेजोरिटी का पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक अलग वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे कितनी प्रकार की मेजोरिटी हो सकती है, वो किस किस प्रकार से संविधान के अंदर उल्लिखित है, उनका प्रयोग किया गया है। इस वीडियो के बारे में आप बताइएगा किस प्रकार से आपको विचार अच्छे लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत